हाय हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल तन्वी क्रिएटिव चैनल में आप सभी का मोस्ट वेलकम है। तो आज फिर एक न्यू वीडियो के साथ आपके सामने हाजिर हुई हूँ। तो ये देख सकते हो गाइस, ये डिब्बे, तो ये डिब्बे सभी के घर में ज़्यादातर होते हैं, चमन प्लास के हो गए और कई चीज़ों के होते हैं। तो हम क्या है कि किचन में इनको यूज करना चाहते हैं, लेकिन ये दिखने में थोड़े अजीब लगते हैं क्योंकि इन पर स्टिकर कंपनी वाले उनके अलग अलग तरीके के डिब्बे दिखते हैं, तो वो दिखने में अच्छे नहीं लगते हैं। तो इन डिब्बों को हम किचन में यूज ले पाए, तो इसलिए इनके हम करने वाले हैं पेंटिंग। बहुत ही अच्छी से इतनी अच्छी पेंटिंग करेंगे, ऐसे लगेंगे जैसे हम मार्केट से खरीद के लाए हैं, और ये डिब्बे एक जैसे दिखेंगे और इनकी डिजाइन ऐसी लगाएंगे कि जैसे मार्केट में हम खरीद के लेके आए हैं, तो ऐसी हम इसमें डिजाइन निकालने वाले हैं। तो गाइस बने रहेगा वीडियो में, वीडियो को स्किप करके मत देखिएगा, स्किप करके देखोगे तो फिर आपको इतने समझ में नहीं आएगा। तो सबसे पहले मैं क्या कर रही हूँ, इन डिब्बों को ऊपर का मैंने हटा लिया है, जो लगे हुए थे ऊपर के रेपर वो हटा लिए मैंने, और फिर मैं इस पर पेंट कर रही हूँ। तो एशियन पेंट वाला कर रही हूँ मैं पेंट, आप कौन सा भी पेंट ले सकते हो। तो मैं इस पर येलो पेंट कर रही हूँ। तो जैसे बोला जाता है कि किचन में येलो रेड ज़्यादा सही रहता है, तो उसके अकॉर्डिंग मैंने देख के इन पर येलो पेंट कर दिया है। और अब ये मैंने सूखने को रख दिए थे करीबन 6 से 7 घंटे के लिए, क्योंकि सूखने के बाद में आगे का प्रोसेस करना है, तो ये सूख जाने चाहिए अच्छे से। अब मैं इन पर पेंटिंग करूँगी। तो सबसे पहले इस तरह से बिंदी बिंदी लगा देंगे, और फिर बाद में इस पर हम बनाने वाले हैं फ्लावर्स। तो जैसा आपका मन करे वैसे फ्लावर बना सकते हो। तो मैं इस तरह के फ्लावर बना रही हूँ, जैसे मार्केट में नहीं मिलते हैं डिब्बे, उसी तरह के फ्लावर मैं बना दे रही हूँ कि ताकि जब हम इन लोगों पर डेकोरेट करें तो ऐसे लगे जैसे मार्केट से लेके आए हैं, जब हम इसको यूज करें तो ऐसे लगेंगे। ऐसे तो जैसे हम मार्केट से ख़रीद के लाएँ वैसे ही इनमें दिखने में नज़र आ रहे हैं, तो ये किचन में एक जैसे नज़र आते हैं, तो ऐसे लगता है कि अजीब सा नहीं लगता है, किचन अच्छा लगता है दिखने में, लुकिंग अच्छी लगती है। तो गाइस मैं आप बताइएगा कमेंट करके कि किस किस के दिवाली की सफाइयों स्टार्ट हो गई है। मैंने तो अभी सफाई स्टार्ट नहीं की है, जैसे किचन के डिब्बों को डेकोरेट करना और कई चीज़ों को डेकोरेट करने ये मैं करना स्टार्ट कर दी हूँ। तो किचन के डिब्बे को थोड़ा मेकओवर कर लेते हैं, इसलिए हमने ये डिब्बे निकाले हैं। और भी बहुत सारे आपके सामने आने वाले हैं मेरे किचन के डिब्बों को मेकओवर करने की, अलग अलग डिजाइन में मैं निकालने वाली हूँ। तो गाइस पूरा वीडियो देखे करिए, क्योंकि मैं अच्छे अच्छे वीडियो डाला करूँगी। और भी जैसे दिवाली आने वाली, उसके रिलेटेड डेकोरेशन के आइटम्स में मैं डालने वाली हूँ वीडियो भी, तो उनको भी देख लीजिएगा गाइस। और आपको हमारा वीडियो थोड़ा भी पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक किए बगैर मत जाइएगा। तो एक डिब्बे पे तो मैंने इस तरह का रखा है, तो तीनों पे मैं अलग अलग डिजाइन निकालने वाली हूँ। तो इस पे मैंने हार्ट शेप वाली डिजाइन इसमें डाली है, तो जैसी आपको पसंद हो वैसी डाल दीजिएगा, लेकिन डिब्बों का कलर एक जैसा होना चाहिए, जब भी दिखने में अच्छे लगते हैं। और आप डिजाइन कोई सी भी डाल सकते हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, जैसा आपका मन पसंद हो वैसा डालिए। तो मैंने एक में फ्लावर वाली डाल दी है और एक में मैं हार्ट वाली डाल दे रही हूँ, तो ये दिखने में बहुत ही क्यूट से दिख रहे हैं। देखिए हार्ट शेप में मैं डाल रही हूँ, तो बहुत ही सुंदर नज़र आ रहा है डिब्बा पेंट करे बाद में। और फिर हम क्या करें, मेरे को कुछ थोड़ा कुछ खाली खाली नज़र आ रहा था, तो इस पर मैंने बिंदी बिंदी से लगा दी है पूरी में, तो ताकि भरा हुआ सा नज़र आए, और जो हमने हार्ट शेप डाले हैं, जो हमने डिजाइन डाली और भी उभर के आए। तो दोनों डब्बों पे मैंने कर दी है, एक पे हार्ट शेप कर दी है और एक पे जैसे फ्लावर बना दिया। और इस पे मैं थोड़ा अलग करने वाली हूँ, तो इस पे मैं लाइनिंग वाली, इस तरह से लाइनिंग हम जिगजैग वाली लाइनिंग करेंगे, तो इस ये वाले डिजाइन हम डालेंगे। तो गाइस किचन में आपके डिब्बे जैसे ऐसे बेकार वाले पड़े हो, अलग अलग दिखते हो, तो इस तरह से आप क्रिएटिविटी कर सकते हो। तो इससे क्या होगा कि डिब्बे बेकार भी नहीं लगेंगे और एक जैसे नज़र आएंगे और अच्छे भी लगेंगे। और आपकी किचन में जैसे कई चीज़ें ऐसी होती है कि हम बेकार जैसे ऐसे समझते हैं कि बेकार डिब्बे हो गए, उनको फेंक देते हैं, तो उनको इस तरह से आप यूज़ ले सकते हो। और जैसे कई हमारे एक्स्ट्रा चीज़ें होती है जैसे किचन में, तो वो इनों में डाल सकते हो, और इन में डाल दोगे तो दिखने में भी डिब्बे भी अच्छे लगेंगे और हमारा सामान भी इनों में डला रहेगा। तो गाइस इसीलिए मैं ये पेंटिंग कर रही हूँ, क्योंकि इस तरह के डिब्बे भी आपको फेंकने नहीं चाहिए, और भी कई चीज़ों में काम आ जाते हैं। तो आज तो मैं इनों में किचन में ही यूज लेने वाली इनों को, तो इसलिए मैं इनों पर पेंटिंग कर दे रही हूँ। किचन में ज़्यादातर इसी तरह की जैसे होती है पेंटिंग, किचन के डिब्बों की एक जैसी पेंटिंग होती है ज़्यादा, हाँ ऐसे नहीं होती कि आप बहुत ज़्यादा कठिन वाली इस पर पेंटिंग को लो, फ्लावर बना, बिल्कुल सादा सिंपल वाले फ्लावर
जो भी डिजाइन डालने चाहो वो सादा सिंपल ही होती है ज़्यादातर। तो इसमें मैंने जिगजेग वाली और फिर इस तरह से बिंदी सी बिंदी बिंदी बना दी है, एक साइड ग्रीन वाली एक साइड रेड वाली, इस तरह से मैंने कर दिया। और इस सब पे पेंट करके आपको तुरंत हाथ नहीं लगाना है, क्योंकि मैंने एशियन पेंट कर रही हूँ, दूसरा वाला पेंट यूज़ ले रहे हो, तो कई ऐसे होते हैं कि जब भी आप हाथ लगा सकते हो। तो ये फ्लावर वाले पे मैंने इस तरह से बिंदी बिंदी नहीं की थी, तो मैंने इस पे भी कर दी है। आपको यदि नहीं करना हो तो कोई ज़रूरी नहीं, आप ऐसे भी रख सकते हो डिजाइन लगा के भी, जैसे फ्लावर बना के भी, और मेरे को पसंद आ रहा था तो इसलिए। और अब मैंने उनको सूखने के लिए 6 से 7 घंटे के लिए रखा था दोबारा से, क्योंकि अच्छे से सूख जाए ये, और फिर आपको इनों को, ये हमारे तैयार हो गए हैं, इनों को आप यूज़ ले सकते हो, और ये हमारे बिल्कुल तैयार हो गए हैं। तो इन डिब्बों को मैं किचन में रखने वाली हूँ, इनमें सामान डालने वाली हूँ, दाल वाल जो भी आप डालना चाहो उसमें डाल सकते हो। तो ये हमारे बिल्कुल किचन के डिब्बे तैयार हो गए हैं। तो आपको हमारा वीडियो कैसा लगा गाइस, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मेरा वीडियो थोड़ा भी आपको पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक किए बगैर मत जाइएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय एंड टेक केयर।